नमस्कार। आज की कविता है शाम एक किसान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शाम की तुलना एक किसान से की है। यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की शाम की तुलना किससे की है? एक किसान से की है। कविता इस तरह से है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि को शाम देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ जो है वो एक किसान की तरह बैठा हुआ है और उसने आकाश का साफा अपने सिर पर बांध रखा है और सूरज उसकी चिलम है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। जो नदी है वह उसने चादर की तरह पैरों पर ओढ़ी हुई है। जो पहाड़ के पास नदी बह रही है वो किस तरह ओढ़ी हुई है? ऐसा लग रहा है किसान ने अपने पाँव पर एक चादर ओढ़ रखी है। और जो पलाश के जंगल हैं, पलाश के लाल फूल होते हैं जो वृक्षों पर लग जाते हैं, और उन्हें देखकर के ऐसे लग रहा है कि अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और पूर्व दिशा में अंधकार छा गया है क्योंकि अब सूरज डूब चुका है, पश्चिम में चला गया है। तो वह ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का वहाँ पर झुंड बैठा हुआ हो। कवि को जाड़े की शाम में इस प्रकार की जो रूपक है यहाँ तुलना की गई है। मनुष्य मानवीकरण किया गया है प्राकृतिक चित्रों का, वह यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। और आप जानते हैं कि यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरे दृश्य में फिर वह कहते हैं, अचानक बोला मोर। फिर एक मोर की अचानक से आवाज़ सुनाई देती है जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? और मोर की आवाज़ को सुनकर के क्या लगा कि ऐसी जाड़े की शाम में एकदम से जब मोर बोला है तो यूँ लग रहा है किसी ने ये कहा हो कि सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। और जो सूरज की चिलम थी वह अब औंधी हो गई है, यानी उल्टी हो गई है, जिसे किसान पीता हुआ दिखाई दे रहा था। पहाड़ जो है उसकी किसान से तुलना की थी ना, तो वो ये लग रहा था कि चिलम पी रहा है, तो चिलम अब उसने उलट दी है। उसमें जो थोड़ी सी धुआं राख बच जाती है चिलम में, चिलम एक सिगार की तरह का एक छोटा सा यंत्र होता है मिट्टी से बना हुआ, जिसे किसान ठंड से बचने के लिए धूम्रपान जो है उससे धूम्रपान किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि चिलम उलट गई है और उसमें थोड़ी सी जो राख बची थी, उसमें चिंगारी बची थी, उससे अभी भी धुआं निकल रहा है और सूरज डूब गया है, और सूरज के डूबने के कारण अंधेरा छा गया है।